सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। हिंदू पंचांग के अनुसार आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं में बेहद खास होती है और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में रखी खीर खाने से सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सभी पूर्णिमाओं में बेहद खास है शरद पूर्णिमा। इस दिन होता है शरद ऋतु का आगमन। धवल चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत। चांद की रोशनी में खीर रखने की है मान्यता। खीर खाने से मिलता है सभी रोगों से छुटकारा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं में बेहद खास होती है और मान्यता है कि इस दिन घरों की छत पर या किसी खुले स्थान पर जहां चांद की किरणें सीधे खीर के बर्तन में पड़े, रात भर चांद की रोशनी में रखी खीर खाने से रोगों से छुटकारा मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। बता दे, लंबे अरसे से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन चंद्रमा की किरणों में उपचारी गुण होते हैं जो शरीर और आत्मा को पोषण देते हैं। और ये भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है, इसीलिए उसका लाभ लेने के लिए खीर को रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और इसके बाद सुबह के समय खीर का प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। आपको बता दें, ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया था और शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की सारी गोपियां अपने घरों से दूर रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली गई थी। और यही वो दिन था जब भगवान कृष्ण ने हर गोपी के साथ कृष्ण रूप में रास किया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस रात को लंबा कर दिया था और वो रात इंसानी जीवन से अरबों साल के बराबर थी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच